हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ भीम का जोड़ को। चलिए देखते हैं भीम का जोड़ को और समझते हैं भीम का जोड़ को। तो चलिए देखते हैं भीम का जोड़ को। ये भीम का जोड़ है, जैसे मैं ले लेता हूँ चार, ठीक है, चार ले लेता हूँ, आठ ले लेता हूँ, ठीक है, और चार यहाँ पे छः ले लेता हूँ। तो देखिए इसका आपको भीम का जोड़ कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए आठ छः में आपको एल सी एम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एल सी एम तो आपको निकालना आता है, इसका नहीं आता है तो उससे आप कमेंट करके देखिए, आप कमेंट करके बोलिए वीडियो बना दूँगा। देखिए आठ अच्छे है, यहाँ पे आपका आठ आ जाएगा और यहाँ पे आपका छः आ जाएगा। यहाँ पे आपका दो से लगा रहे, तो आप दो को पढ़िए तो चार बार में आपका आता है आठ, और दो को पढ़िए तो तीन बार में आपका आता है। आपका आपको एक ही करना है और इसको जोड़ देना है आपको दूसरा जो मिलता है चौके आठ, आठ हुआ, आठ का आठ का आठ एंड सोलह अटिया चौबीस, अटिया चौबीस, ठीक है, अटिया चौबीस होगा। तो आपका चौबीस यहाँ पे जो चौबीस है, देखिए यहाँ पे जो चौबीस है, ठीक है, यहाँ पे चौबीस आप यहाँ पे लिख देंगे, चौबीस लिख देंगे, यहाँ पे चौबीस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ चौबीस लिखने के बाद यहाँ पर आप देखिए आठ का कई बार पढ़िएगा तो चौबीस आएगा, आठ का आठ सोलह अटिया चौबीस, अटिया चौबीस, यहाँ तीन बार में अटिया चौबीस, चार का चार अटिया बारह। जय बार ही पढ़िएगा, जय बार ही पढ़िएगा, मतलब कटेगा इतना भारी, इसको पढ़ने पड़ेगा। देखिए अब इसको पढ़ने पड़ेगा, छक्का छः बारह छठिया अठारह छः पच्चीस तीस, देखिए ज़्यादा बोल रहे हैं, छक्का छः बारह छठिया अठारह छः छः चौबीस, चार बार में। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको चार बार में छक्का छः बारह छठ अठारह छः छः चौबीस, यहाँ सॉरी चार का चार यहाँ छठिया बारह छः छः सोलह, यहाँ पर आपका सोलह हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर लिख देता हूँ, देखिए इसको मैं पोछ के लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका चौबीस था, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका था कितना, देखिए आठ आठ कितना बार, आठ का आठ सोलह अठिया चौबीस, चार का चार आठ अठिया बारह, इसका प्लस प्लस आप प्लस लिखना जरूरी है, छः का छः पाँच है छः छः चौबीस, तो चार का चार आठ अठिया बारह चार छः सोलह, तो यहाँ पर आपको सोलह लिख देना है। देखिए ये आपको जोड़ देते हैं, एक दो छः दो, तो एक एक दो का यहाँ पे दो छः सात आठ यहाँ पे आठ, तो अट्ठाईस का चौबीस आपका आंसर आया। अब इसको आप काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं दो से काट रहा हूँ बारह ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सॉरी चौदह, यहाँ पर आपका चौदह ट्वेंटी बारह से कटेगा छत्तीस कटेगा, तो दो सौ से चौदह तो सात बार में, यहाँ पर छः बार में, ठीक है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे कट गया, तो आपका आंसर आएगा सात बटा छः, आपका आ गया आंसर, ठीक है। आइए भीम का जोड़ है, भीम का घटाओ का वीडियो में लाऊंगा, आप कमेंट करके बताइए कि भीम का जोड़ समझ में आ गया है, ठीक है। अब भीम का जोड़ समझ में नहीं आया तो इसको मैं फिर से बताऊँगा अगले वीडियो में। तो इसके लिए जय हिंद।